नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम किंग पर। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर भी आपसे जीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो क्वेश्चन करवाएंगे वो आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में, आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने में। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाएगा। तो चलिए देखिएगा, आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोलकेटिंग डी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, सेकंड देखिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जो, वो डिस्टेंस कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में स्थित है, डियर सेंस बी होगा आपका राइट आंसर। थर्ड देखिएगा, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? शिमला समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए थे डियर सेंस, वो कौन से वर्ष में हुए थे? राइट आंसर का ऑप्शन डी, 1972 में, 1972 डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की जो रचना है डियर सेंस, वो किसने की थी? ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा ने की थी। पंचतंत्र की रचना सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, ह्वेनसांग किस देश का निवासी था? ह्वेनसांग कौन से देश का, कौन सी कंट्री का निवासी था? डियर सेंस राइट आंसर का ऑप्शन डी, चीन का डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली डियर सेंस किसको कहा जाता है? राइट आंसर का ऑप्शन ए, लाइसोसोम को, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, डाउन्स किस देश का घास का मैदान है? जो डाउन्स है वो कौन से देश का घास का मैदान है? ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहे की कमी से होने वाले रोग का नाम हमने यहाँ पर बताना है, तो ऑप्शन ए, एनीमिया होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए, एनीमिया। चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज डियर सेंस किसने की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोसेफ प्रिस्टले, ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कौन सा था डिस्टेंस? ऑप्शन बी, कन्नौज रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? जो एक अश्व शक्ति होता है वो कितने वाट के बराबर होता है? ऑप्शन डी, 746 वाट, डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 12 देखिएगा, राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान डियर सेंस कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, नागपुर रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है 13 देखिएगा, थल सेना के पूर्वी कमांड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है डियर सेंस? ऑप्शन बी, भुवनेश्वर में, बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? डियर सेंस, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए, मनु रहेगा आपका राइट आंसर। 15 है आपके लिए, पटाना किस देश का घास का मैदान है? तो राइट आंसर होगा यहां पर आपका ऑप्शन सी, श्रीलंका, सी रहेगा आपका राइट आंसर। 16 देखिएगा, बेलाडीला में किसका उत्पादन मुख्य रूप से होता है? किसका होता है डिस्टेंस? ऑप्शन बी, लोहे का, लोहा रहेगा आपका राइट आंसर। 17 आपके लिए, एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? एक कैलोरी होता है जो, वो कितने जूल के बराबर होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4.2 जूल, बी होगा आपका राइट आंसर। 18 है, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? राइट आंसर होगा डियर सेंस ऑप्शन डी, अमेरिका का, डी रहेगा आपका राइट आंसर। 19 देखिएगा, अरावली पर्वत, जो अरावली पर्वत है किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है डियर सेंस? राइट आंसर रहेगा यहां पर आपका ऑप्शन ए,
अवशिष्ट पर्वत ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका पंपास घास के मैदान किस देश में स्थित है, कौन से देश में स्थित है डियर सन्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्जेंटीना, सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था, किस वर्ष आजाद हुआ था बांग्लादेश। ऑप्शन बी 1971 में, 1971 बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष की गई, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना है वो की गई थी 1991 में, 1991 डी होगा आपका राइट आंसर। 23 है भारत भवन के वास्तुकार कौन था, भारत भवन का जो वास्तुकार था वो कौन था डियर सन्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चार्ल्स कोरिया, ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। 24 आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर किसे कहा जाता है, कोर सेक्टर डियर सन्स किसे कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोहा इस्पात को। चलिए नेक्स्ट है वायु सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहां पर है डियर सन्स। ऑप्शन सी शिलोंग होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 26 गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो गाड़ी का साइड मिरर है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है डियर सन्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कंपोज घास के मैदान किस देश में स्थित है, ब्राजील में, डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है बीजिंग ओलंपिक में भारत की ओर से पहला प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता, बीजिंग ओलंपिक में भारत की ओर से पहला जो स्वर्ण पदक था वो किसने जीता था डियर सन्स। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी अभिनव भिद्रा, ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट देखिएगा 29 क्वेश्चन कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, कितना होता है डियर सन्स। ऑप्शन बी 6 होता है, 6 होता है, बी होगा आपका राइट आंसर। 30 देखिएगा सीरी के किले का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था, सीरी के किले का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था डियर सन्स। ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, सी रहेगा आपका राइट आंसर। 31 देखिएगा कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में शिला कटवाकर किसने करवाया था डियर सन्स। ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ए होगा आपका राइट आंसर। 32 है किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, डी ज्वालामुखी पर्वत, डी होगा आपका राइट आंसर। 33 है हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है डियर सन्स। ऑप्शन बी पास्कल के सिद्धांत पर, बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 34 वायुसेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वायुसेना के दक्षिणी कमान का जो मुख्यालय है वो त्रिवंतमपुरम में स्थित है, सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम पहला भारतीय कौन था, इंग्लिश चैनल पार करने वाला जो पहला भारतीय था वो था मिहिर सिंह, सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस वर्ष हराया, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस वर्ष हराया था डियर सन्स। ऑप्शन बी 1192 में, बी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 37 जल सेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहां पर स्थित है, जल सेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय डियर सन्स ऑप्शन ए मुंबई होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है डियर सन्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्लॉक पर्वत, डी होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका 39 प्रियरीज घास का मैदान कहां पर स्थित है, ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ए होगा आपका राइट आंसर। 40 देखिएगा हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, हिमालय है जो वो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है डियर सन्स। ऑप्शन सी वलित पर्वत, सी होगा आपका राइट आंसर। 41 न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है, न्यूयॉर्क डियर सन्स किस नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन सी हडसन नदी, सी होगा आपका राइट आंसर। चलिए 42 दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है, दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश है वो कितना होता है, ऑप्शन ए 90 डिग्री, ए होगा आपका राइट आंसर। 43 किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, ऑप्शन बी मादा एनाफिलीज, बी रहेगा आपका राइट आंसर।
श्वेत क्रांति का संबंध किस से है? श्वेत क्रांति का संबंध याद रखिएगा किससे है, दुग्ध उत्पादन से है। ए होगा आपका राइट आंसर। 45 है, चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील डियर सन्स कौन से राज्य में है? उड़ीसा में है। डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पद्मश्री से सम्मानित होने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो थी डियर सन्स ऑप्शन ए नरगिस। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित होती है? भारत के संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किस में निहित होती हैं? संसद में। सी होगा आपका राइट आंसर। अंग महाजनपद की राजधानी थी कौन सी थी डियर सन्स? ऑप्शन सी चंपा। सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कॉर्टा कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भाग तीन को। चलिए नेक्स्ट है आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, हाफ मैन कप का संबंध किस खेल से है? हाफ मैन कप का संबंध किस खेल से डियर सन्स? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी टेनिस से। बी रहेगा आपका राइट आंसर। तो डियर सन्स ये थे आज के आपके जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। डियर सन्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। डियर सन्स डेली हम आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में कीजिएगा और वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए डियर सन्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक डियर सन्स सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।